हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे पोर्ट के बारे में। जी नहीं, हम हार्डवेयर वाले पोर्ट की बात नहीं करेंगे, आज हम कंप्यूटर नेटवर्किंग वाले पोर्ट की बात करेंगे कि ये क्या होता है। देखिए, कोई भी हम नेटवर्क शुरू करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं नेटवर्क पे, तो उसके दो छोर होते हैं, कोई एंड पॉइंट भी होता है। आप कहीं पर डेटा भेज रहे हैं या कहीं से डेटा ले रहे हैं तो एक एंड पॉइंट ज़रूर होगा, जैसे कि इसका नाम बोलता है पोर्ट। आपको पता होगा जो पानी के जहाज होते हैं, सी पोर्ट जिन्हें कहा जाता है, वो कौन सी जगह होती है? पोर्ट, जहां पर जहाज आके रुकता है। तो कम्युनिकेशन का भी एंड पॉइंट होता है और नेटवर्क का भी, जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, कोई फाइल भेजते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसका भी कोई एक एंड पॉइंट होता है, उसी को पोर्ट कहा जाता है। अब पोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी वो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो समझने में। देखिए, पहले जो होता था कंप्यूटर्स में, पीयर टू पीयर, आप कह सकते थे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता था, जब एक कंप्यूटर दूसरे से कम्युनिकेट करता था, बस कोई नेटवर्क नहीं। नेटवर्क यही मतलब एक कंप्यूटर दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता था, तो उसमें तो और कोई है ही नहीं, एंड पॉइंट तो दूसरा कंप्यूटर ही होगा। तो अब हमें पोर्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। अब जब कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे काम करने लगे, एक कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर बहुत सारे नेटवर्क से जुड़ने लगा, तब हमें पोर्ट की ज़रूरत पड़ी। अब मैं आपको बता दूं, पोर्ट एक और काम करता है, पोर्ट अलग अलग सर्विसेज को अलग अलग डिफरेंशिएट करता है। जैसे कि मान के चलिए आपका जो कंप्यूटर है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेब पेज ही डाउनलोड करे, इंटरनेट ही सर्व करे, वो HTTP वाला कनेक्शन ही यूज़ करे, नहीं, वो UDP भी कर सकता है, FTP भी कर सकता है। तो अब नेटवर्क में अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल को कैसे अलग डिफाइन किया जाए, उसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग उनके पोर्ट कर दिए गए। ठीक है, जो अभी पॉपुलर पोर्ट्स हैं वो 1024 पोर्ट्स हैं जो अलग अलग सर्विसेज को डिफाइन करते हैं, ये पॉपुलर पोर्ट्स हैं। ठीक है, अलग अलग सर्विस का अलग अलग पोर्ट होता है, जैसे ईमेल में 22 हो जाएगा और आपका FTP में कुछ हो जाएगा। अब नॉर्मल HTTPS कनेक्शन जो मतलब आप जो वेब पेज सर्व करते हैं उसका 80 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे अलग पोर्ट बटे हुए हैं क्योंकि इंटरनेट पर एक ही सर्विस नहीं है। सिर्फ आप वेब पेज ही नहीं देखते हैं, आप फाइल भी ट्रांसफ़र करते हैं FTP पे, ठीक है, UDP पोर्ट भी चलते हैं। तो अब अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग पोर्ट हैं। मैं आपको सारे पोर्ट्स या जितने मेरी जानकारी में हैं उनका पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में ब्यौरा दे दूंगा, आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल कौन सी सर्विस में यूज़ होता है। तो हमने क्या सीखा, पोर्ट क्या होता है? पोर्ट एक कम्युनिकेशन का, एक नेटवर्क का एंड पॉइंट होता है। इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है? क्योंकि जब कंप्यूटर बहुत सारी सर्विसेज का इस्तेमाल करता है, हर अलग सर्विस को अलग दर्शाने के लिए, अलग दिखाने के लिए और अलग से काम करने के लिए उसके अलग अलग पोर्ट बांट दिए जाते हैं, जिससे कंप्यूटर को ये पता लग जाता है कि ये अलग सर्विस है, ये अलग सर्विस है। ठीक है जी, तो यही हमने सीखा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है पोर्ट से रिलेटेड तो आप उनसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई सुझाव है या आपको लगता है मैंने कुछ नहीं बताया पोर्ट के बारे में तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि लोगों को जानने का मौका मिले। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेके आपके सामने आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।